दोस्तों आईपीएल 2024 में मंगलवार को एक बड़ा मुकाबला खेला जाना है। यह मैच होना है सीएसके वर्सेस एलएसजी यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स का सामना होगा लखनऊ सुपर जॉइंट से। अभी कुछ ही दिन पहले इन दोनों टीमों का आमना सामना हुआ था जहां पर एलएसजी ने एक तरफा मुकाबले में चेन्नई को 8 विकेट से हरा दिया था। लेकिन इस बार चुनौती अलग होने वाली है क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स इस बार अपने होम ग्राउंड पर खेलने के लिए तैयार है, यानी कि यह मुकाबला चेन्नई के होम ग्राउंड एमएस चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे सीएसके वर्सेस एलएसजी मैच की पिच रिपोर्ट क्या होगी, मैच के दिन यानी कि मंगलवार को कहीं बारिश का संभावना तो नहीं है, वेदर रिपोर्ट पे नजर डालेंगे दोनों टीमों की हेड टू हेड रिकॉर्ड पर, साथ ही दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 क्या होगी उस पे भी बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि क्रिकेट से जुड़ा हर खबर आपको यहां पे देखने को मिलते रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीएसके बनाम लखनऊ मैच की पिच रिपोर्ट की। चेपॉक के मैदान पे बॉलिंग और बैटिंग दोनों में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। यहां हमेशा से स्पिन गेंदबाजों का बोलबाला रहा है लेकिन शाम ढलने के बाद पिच बैटिंग के फेवर में हो जाती है। दूसरी ओर से नई गेंद से तेज गेंदबाजों को भी खूब मदद मिलती है। हालांकि इस सीजन अभी तक इस मैदान पर 3 मुकाबले खेले गए हैं जहां पर पिच बल्लेबाजी के लिए काफी बेहतर नजर आई है। एक बार तो इस मैच में 200 प्लस का आंकड़ा भी पार हो गया था। वैसे आपको बता दें कि चेन्नई के एम चिदंबरम स्टेडियम में अब तक आईपीएल के कुल 79 मुकाबले खेले गए हैं। इसमें से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 47 में जीत हासिल की है जबकि टारगेट का पीछा करने वाली टीम को 32 में जीत मिली है। वहीं यहां पे सबसे पहले पारी का औसतन स्कोर 163 रन का है और पिच रिपोर्ट की माने तो चेपॉक स्टेडियम में स्पिन गेंदबाजी को मदद मिलने वाली है। लेकिन जो आईपीएल का इतिहास कहता है वो कहता है कि 89 मुकाबले चेपॉक में खेले गए हैं, वहां पे पहले बैटिंग करने वाली टीम को 47 में जीत मिली है जबकि 32 मुकाबला को टारगेट पीछा करने वाली टीम ने जीता। यानी कि आखिरी में हमको बहुत हद तक समझ में आया कि जो भी टीम यहां पे टॉस जीतेगी हो सकता है कि वह पहले बल्लेबाजी करना पसंद करे क्योंकि इस मैदान पे स्पिन गेंदबाजों को बोलबाला देखने को मिलता है। अब बात करते हैं मंगलवार को चेन्नई का मौसम कैसा रहेगा। यानी कि 23 अप्रैल को चेन्नई का तापमान 28 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। मैच के दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं है, हालांकि चेन्नई की तेज गर्मी खिलाड़ियों को परेशान कर सकती है। मंगलवार यानी 23 अप्रैल को बारिश की कोई भी संभावना नहीं है, यानी कि क्रिकेट फैंस को एक बड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, एक हाई स्कोरिंग मैच भी देखने को मिल सकता है। बारिश बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। अगर बात दोनों टीमों की हेड टू हेड रिकॉर्ड की करें तो आईपीएल इतिहास में अब तक चेन्नई और लखनऊ का सामना कुल 4 बार हुआ है। इनमें लखनऊ का पलड़ा थोड़ा सा भारी रहा है क्योंकि 4 में से 2 मुकाबले लखनऊ ने अपने नाम किया जबकि केवल 1 में चेन्नई को जीत मिली। 1 मुकाबला बिना किसी रिजल्ट के खत्म हुआ था। हालांकि आईपीएल 2024 में 34वें मैच में जब सीएसके और एलएसजी का आमना सामना हुआ था तब एलएसजी ने एक तरफा अंदाज में सीएसके को हरा दिया था। उस मैच के स्कोर कार्ड पे नजर डाले तो चेन्नई को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला और उन्होंने 6 विकेट के नुकसान पे 176 रन बोर्ड पे लगाए। टीम की ओर से रविंद्र जडेजा 57 के स्कोर पे नवाद लौटे जबकि अजिंक्य रहाणे ने ओपनिंग करते हुए 36 रन की पारी खेली। मोइन अली के बल्ले से 30 रन निकले जबकि एमएस धोनी ने केवल 9 गेंदों पे 28 रनों की नवाद पारी खेली। लखनऊ की ओर से कुणाल पांड्या को 2 विकेट मिले जबकि एस्टोनिस मोहसिन खान और रवि बिश्नोई के खाते में 1-1 विकेट आया। लखनऊ के सामने 177 रनों का टारगेट था जिसे टीम ने 1 ओवर पहले ही 2 विकेट खोकर बड़ी आसानी से जीत हासिल कर लिया। टीम की जीत में कैप्टन केएल राहुल ने 82 रनों की पारी खेली जबकि क्विंटन डीकॉक के बल्ले से 54 रन निकले। अगर बात चेन्नई की करें तो चेन्नई की ओर से मथीसा पथिराना और मुस्ताफिजुर रहमान 1-1 विकेट मिला। यानी कि लखनऊ ने यह मुकाबला 8 विकेट से बड़ी आसानी से अपने नाम कर लिया था। इस बार भी लखनऊ को आप जीत का फेवरेट कह सकते हैं क्योंकि टीम बड़ी शानदार फॉर्म में है। बात अगर दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 की करें तो सबसे पहले नजर डालते हैं सीएसके की पॉसिबल प्लेइंग 11 पे। तो ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान होंगे इस टीम का, रचिन रविंद्र, अजिंक्य रहाणे, मोइन अली, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी विकेट कीपर होंगे, दीपक चहर, तुषार देशपांडे, मुस्ताफिजुर रहमान, मथीसा पथिराना। अगर बात एलएसजी की संभावित प्लेइंग 11 की करें तो क्विंटन डीकॉक, केएल राहुल कैप्टन विकेट कीपर होंगे, दीपक हुड्डा, मार्कस स्टोनिस, निकोलस पुरन, आयुष बडोनी, कृणाल पांड्या, मैट हेनरी, रवि बिश्नोई, मोहसिन खान और यश ठाकुर। दोनों टीमों का प्लेइंग 11 में बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर बात चेन्नई सुपर किंग्स की करें तो टीम अपने टॉप ऑर्डर से जूझ रही है, खराब टॉप ऑर्डर से परेशान है। अजिंक्य रहाणे ओपन कर रहे हैं लेकिन रचिन रविंद्र का बल्ला मानो उसे जंग लग गई है। 7 मैचों में अभी तक कोई 50 उनके बल्ले से देखने को नहीं मिली है। शुरुआत बड़ी कमाल की हुई थी, अच्छी पारियां भी खेले थे, भले ही उनको बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे लेकिन स्ट्राइक रेट बड़े काबिले तारीफ था। लेकिन अब रचिन रविंद्र 1-1 रन के लिए मशक्कत करते नजर आते हैं। 7 मैचों में उनके बल्ले से केवल 133 रन निकले हैं। ऋतुराज गायकवाड़ नंबर 3 पर खेल रहे हैं और बहुत हद तक सफल भी हुए हैं क्योंकि बल्लेबाजी उनकी अच्छी देखने को मिली है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच में एक बार फिर से ऋतुराज गायकवाड़ को रचिन के साथ ओपन करना चाहिए और अजिंक्य रहाणे को नंबर 3 पे खेलना चाहिए। उसके अलावा इस टीम के पास शिवम दुबे है जो कि लगातार शानदार फॉर्म में है
और बार बार यह कर रहे हो कि T20 वर्ल्ड कप में उनकी एंट्री पक्की है। अगर बात MS धोनी की करें तो MS धोनी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हम शुरुआती के दो मैचों में MS धोनी को बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला था, लेकिन अब हर मैच में MS धोनी बल्लेबाजी के लिए भी आ रहे हैं और दिल खोलकर शॉट भी लगा रहे हैं। LSG के खिलाफ पिछले मैच में उन्होंने केवल 9 गेंदों पे 28 रनों की तूफानी पारी खेली थी। धोनी इस बार 5 बार बल्लेबाजी के लिए आए हैं और 5 बार नॉट आउट है, यानी कि CSK की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी ताकत है MS धोनी की तूफानी बल्लेबाजी, उनकी तूफानी स्ट्राइक रेट। बात अगर CSK की गेंदबाजी की करें तो मथीसा पथिराना लगातार प्रभावित कर रहे हैं। मोइन अली ने पिछले मैच में अच्छा परफॉर्मेंस किया था, बॉलिंग भी अच्छी की थी, बतौर बल्लेबाज भी वह अच्छे नजर आए थे। रवि बिश्नोई के लगातार 2 चौके भी लगाए थे, ऐसे में इस बार भी प्लेइंग 11 में उनका खेलने को बहुत चांस है। हालांकि दीपक चहर के फॉर्म परेशानी का सबक बनी हुई है, क्योंकि 6 मैचों में उन्होंने केवल 4 विकेट लिए हैं। तुषार देशपांडे 1 विकेट लिए हैं, लेकिन काफी महंगे साबित हुए हैं। ऐसे में तुषार देशपांडे की फॉर्म चिंता का विषय बनी हुई है। अगर बात लखनऊ सुपर जायंट्स की करें तो केएल राहुल ने पिछले मैच में 50 रन बनाकर अपने फॉर्म में वापसी का संकेत दे दिए है। क्विंटन डिकॉक ने इस सीजन में 7 मैच खेले है, 350 प्लस का स्कोर बना चुके हैं। लगातार शुरुआत अच्छी हुई थी, लेकिन बीच में फॉर्म डगमगा गया था। लेकिन पिछले मैच में चेन्नई के खिलाफ उनके बल्ले से 54 रनों की शानदार पारी निकली थी। निकोलस पूरन जो कि लोअर ऑर्डर में आते हैं और तूफानी पारी खेल रहे हैं, निकोलस पूरन ने वाकई में इस सीजन प्रभावित किया है। टीम के उप कप्तान भी है और मार्कस स्टोइनी नंबर 4 पर, जब से इस टीम में प्रमोशन मिला है इस टीम में वो अच्छी बल्लेबाजी भी कर रहे हैं। बतौर ऑलराउंडर इस टीम का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। हालांकि टीम के लिए चिंता का विषय है मयंक यादव की फिटनेस, क्योंकि फिट नहीं है, पिछले 2 मुकाबले मिस कर चुके हैं। अगर इस मैच में फिट होते हैं तो शायद उनको प्लेइंग 11 में देखने को मिल सकता है। वह फिलहाल एब्डोमिनल पेन की वजह से परेशान है। बात अगर रवि बिश्नोई की करें तो उनकी फॉर्म भी डगमगाया हुआ है। शुरुआत अच्छी हुई थी, विकेट भी लिए थे, कंजूसी गेंदबाजी भी की थी, लेकिन फिलहाल के समय में उनके फॉर्म वाकई में काफी गिरी है। मोहसिन खान यश ठाकुर प्रभावित तो कर रहे, लेकिन कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस उनके खेल में देखने को नहीं मिला है। वह निखार उनके खेल में देखने को नहीं मिल पा रहा है। केएल राहुल के लिए अच्छी बात यह है कि उनकी कप्तानी वाकई में चर्चा का विषय रही है। कप्तानी केएल राहुल ने आउटस्टैंडिंग की है, पिछले मैच में बल्ला भी चला था। ऐसे में चेपॉक के स्टेडियम एक बार फिर से फैंस को उम्मीद होगी कि केएल राहुल का मैजिक देखने को मिले। आपको क्या लगता है चेन्नई वर्सेस लखनऊ किस टीम का पलड़ा भारी है? क्या चेन्नई पलटवार करेगी या फिर लखनऊ एक बार फिर से होम ग्राउंड पर ही चेन्नई को हरा देगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे और वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।